अगर कहता तोहफा है तो कहते ये हमारी बेटी की घर पहुंचा दो।
और अगर कहते चलता है तो अल्फाज से कहते बिस्मिल्लाह नूर फरमाए आसान नूर फरमाने से तमीन हम ये वाला मेरे मुख्तम तमीन अल्लाह आपको सलामत रखे खुश रखे सदका खाता की अर्थात को आदत पड़ गई कि रसूल के हर माल को सदका बना खा दे तो मेरे मुस्लिम क्या नहीं खजूरें आई कहीं थी हसन ने फरमा और ताकि में रखी है आपने समय देखी क्या तुम्हें मालूम हुई तो सदका हमसे हराम लोगों ने कहा आपने इसे ऐसे कह रहे हैं इसे मालूम है कहां इसे मालूम जरूरी तो अभी साल भर का है कि साल का है तो क्या हो ये लोहे में इनका मुताला करता है जो मेरा जरिया इन है वो इसका ही ये मासूम बात का मासूम माता बैठे समझे ना हूं ये मुख्तर की बात दूसरे साहबजादे पैदा हुए उन्होंने कमाली कर दी अक्सर इस बच्चे के क्या हाल इस बच्चे के क्या हाल अनंत सहाबी रिवायत करते गर्मी का मौसम था रसूल रसूल में बैठे थे मैं रसूल के सामने खड़ा था मेरा अपना दरवाजे की तरफ रसूल की पुष्ट के दरवाजे की तरफ तो मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से तो सैद आया दो ढाई साल का दिन था आपके नाना के पास रोने लगे रोने का इरादा किया मैं तो आ होता है रोना में देखो घर होना तू रोने के लिए ही पैदा हो दुनिया के लिए रोने के लिए पैदा हुई तुझे रोना देखो मुझे बता क्या बात है नाना आप ये तीन महीने के बच्चे सवारी का सवाल है आप मेरे लिए नफा बन जाए अनंत सहाबी कहते हैं कि रसूल ने दोनों हाथ जमीन पर रखे दोनों कुर्सियां रखे और हुसैन ने कहा तुम्हारी कमर पर बैठ जाओ बेटा हुसैन कहते हैं हुसैन कहते हैं नाना मुझे अम्मा के घर ले चलो अब मुझे मस्जिद ले चलो बेटा है बारह फेरे नाना बता मैं करता हूं सर गए बात खत्म हो गई मेरे दिन हुसैन बच्ची की काम जरा तवज्जो से मेरी बात सुन के रहना तुम तुम नमाज पढ़ाई थी सजे मिले रसूल की नमाज नमाज में सज्जा इतनी बड़ी इबादत इधर से बच्चा आया आज कमर पर बैठ गया क्या मुझे कहने का हक है या नहीं एक तरह इतनी बड़ी इबादत एक तरह बच्चे का खेल खेल और इबादत जो आपस में टकराए इबादत को ठहरना पड़ा जब तक खेल की जरूरी कमर पर बैठे रहे कमर सूचने तो घर गए मां ने पूछा बेटा कहां गए तो मस्जिद में गया था नाना नमाज पढ़ रहे थे मैं कमर पर बैठ गया था जी फिर उन्होंने बड़ा सीधा तरवीज किया अम्मा मैं जीता रहा उन्होंने 72 दफा सुभान अल्लाह कहा माई का ना बेटी आइंदा ऐसी हरकत न करना नाना को तकलीफ होती है मुझे सुनते ही जोश आ गई खड़े कह सुन अम्मा अगर मेरे सजदे में बैठने नाना को तकलीफ हुई है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं इस सजदे का बदला उतार दूंगा अगर मैं सजदे का बदला उतार तो तुझे दूंगी नमस्ना तेरे दूध की कसम मैं इस सजदे का बदला दूंगा नाना ने सर उठाया तो तीन सजदे थे सहजे में उठाया मैं वादा करता हूं कि सर रख तो मैं दूंगा सजदे खुद नहीं उठाऊंगा कुछ का बदला दूंगा और बड़े कुछ कहने का सारे व्यक्ति से कहां बयान करूं मां को प्यार आ गया बेटा बेटे तुझसे नहीं चलते इससे नहीं हूं मैं आज अगर आपसे याद हूं तो दो मिनट मासूम होकर हम बात बता दूं मां को बड़ा प्यार चलो फिर कभी कहीं भी शाम रखते और मुझे तो तकलीफ बड़ा प्यार है जैसे तुम आखिरी वक्त हुआ है कि मिलाकर बेटी को बुलाया जो टाइम से छोटी दिख रही
रहने से ही उम्र में छोटी है, मगर मैं तुझे अपनी जान इतनी बढ़ाती कितना भाइयों का ख्याल रखूं, पूरा ख्याल रखूं। बताओ जैनब ने माथी वसीयत को पूरा अमल किया या पूरा ख्याल रखा या नहीं? आखिरी वक्त हुआ, मेरा की रहनत हो गई, बच्चे को मिले और सुन लो आज, और आज मैं अपना ध्यान खत्म कर दूंगा। रहन स्वामी की गई अली ने उसने दिया कफन पहनाया, जब कफन पहना सीखे तो बच्चों को बुलाया, हसन बेटा इधर आओ, हुसैन बेटा इधर आओ, कैसा के दस्तूर है, आओ अपनी माँ का मुंह देखो। इसे दिखाया जाता है कफन में, हसन ने माँ का मुंह देखा, रोने लगी कि हुसैन को बुलाया, हुसैन क्या कहते हैं अब्बा, क्या आपने मुझे ये नहीं बताया कि मरियम ने मरने के बाद अपने बेटे की ईसा से बात की? हाँ बेटा ठीक है, तो क्या मेरी माँ मरियम से कम है, क्या मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर सकती, क्या मेरी माँ मुझे नहीं बुला सकती? ये कहते आपने कहा अम्मा उससे बात करो, अम्मा उससे बात करो, अम्मा मैं हुसैन हूँ इससे बात करो, बेहद किया जाए कल तो कर लेनी हूँ, अम्मा तुझे मेरी ही कसम से हम उससे बात कर लें, जिनके कसम की बात कही तो हर नस्ल हर नस्ल मदद के दा सैयदा ने हाय कहते थे, वो तो हाथ फैल और फैल जाके सीधे के लेट गए। अली के बाद की गोल में उठा लिया, हल्का हल्का जलजरा मदीने में आ गया। दो तीन दिन के बाद पूछा होता है माँ से क्या बात की थी, इससे से एक बात कही थी कि अम्मा आपको जा रही हूं, मुझसे वादा करो जब मेरा आखिरी वक्त होगा आओगी ना। खैर के माँ ने वादा किया है बेटा फिर कहने का, मेरी गोली में तेरा सर होगा मैं मिल जाऊंगी, ये माँ बेटी कुछ मुश्किल मिला आज की उम्र जिसकी कहना भी करता हूं, कल इनका कर सकती जिंदगी और कोई बात आपके सामने देश के अंदर खुदा आप Allah